मैं कौन हूँ आत्म अन्वेषण से जुड़े प्रश्नोत्तर का संग्रह है। ये प्रश्न 1902 में शिव प्रकाशम पिल्लय द्वारा भगवान रमण महर्षि से पूछे गए थे। भगवान उस समय विरूपाक्ष गुफा में मौन अवस्था में थे। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर लिखकर दिया था। मैं कौन हूँ मैं भगवान महर्षि से पूछे गए 28 प्रश्न और उनके उत्तर हैं। सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं तथा हर किसी में देखा गया है कि उसे स्वयं के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है। वह सुख जो स्वयं का स्वभाव है और जिसकी अनुभूति मन रहित गहन निद्रा की अवस्था में होती है कि प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन हूँ का ज्ञान विचार ही प्रमुख साधन है। प्रश्न, मैं कौन हूँ? सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को पृथक पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये 5 क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणी, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि 5 कर्म करने वाले प्राणादि वायु 5 भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। प्रश्न, यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? उत्तर, उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूँ। प्रश्न, उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? उत्तर, चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। प्रश्न, स्वरूप का दर्शन कब होगा? उत्तर, जब जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है जो दृष्टा है। प्रश्न, क्या दृश्य जगत के बोध प्रतिभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? उत्तर, नहीं। प्रश्न, क्यों? उत्तर, दृष्टा और दृश्य रज्जू और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान है, आधार है, कि प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। प्रश्न, दृश्य जगत बोध का नाश कब होगा? उत्तर, मन जो सभी ज्ञान अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है के लीन हो जाने पर जगत का लोप हो जाएगा। प्रश्न, मन का स्वरूप क्या है? उत्तर, जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए विचार मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती है तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। निरंतर मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है, वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। प्रश्न,
मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेक्षण का पथ क्या है? उत्तर: शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो भी वह उस स्थान स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का प्रथम विचार है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम व्यक्तिक सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। प्रश्न: मन स्थिर शांत कैसे होगा? उत्तर: मैं कौन हूँ के अन्वेक्षण के द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूँ का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा, तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है, तब वहाँ स्वरूप दर्शन होता है। प्रश्न: मैं कौन हूँ के विचार को सदैव पकड़े रहने का तरीका क्या है? उत्तर: जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेक्षण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित होते हों तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ है। उत्तर आएगा, मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करता है कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब ये हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर कर लेने को अहम्मुखी या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं जो भी विचारों का मूल है वह लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। प्रश्न: क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं हैं? उत्तर: आत्मविचार के अतिरिक्त कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। यदि मन दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास करता है तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित हैं, और जब श्वास आरंभ होता है तो मन पुनः गतिशील हो जाता है तथा संचित विषय वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों ही का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का स्वरूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है, वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, किंतु श्वास नहीं रुकता। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझें कि यह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है।
इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता है। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन आदि मन को स्थिर करने में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी जैसे किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है, उसी प्रकार मन को किसी नाम या रूप में अनुसक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लीन होते होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्म अन्वेक्षण सरल हो जाता है। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित एवं सात्विक आहार है। इन नियमों के पालन से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेक्षण में सहायक होगा। प्रश्न: समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे सब कब नष्ट होंगे? उत्तर: स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न: क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनिष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? उत्तर: यह संभव है या नहीं, इस संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, यूँ दीन प्रलाप ना करते हुए मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहेगा तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं हैं, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत होता है तो उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत होता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हों, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों त्याज्य हैं। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने को दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा, अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी नहीं रह सकता। प्रश्न: आत्म अन्वेक्षण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? उत्तर: जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूँ का अन्वेक्षण आवश्यक है। जो जो विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही आत्म अन्वेक्षण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्मस्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहेगा तो वह एक ही साधना पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। जो जो वे बाहर आते हैं उन्हें मारते रहें तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। प्रश्न: स्वरूप का स्वभाव क्या है? उत्तर: यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्मस्वरूप है। जगत जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीति हैं। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता वहाँ स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप स्वयमेव जगत है, स्वरूप स्वयमेव मैं है, स्वरूप स्वयमेव ईश्वर है, सब कुछ शिव स्वरूप है।
प्रश्न, क्या सब कुछ ईश्वर के कार्य नहीं है? उत्तर, बिना इच्छा संकल्प या प्रयास के आदित्य उदित होता है और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत मणि पत्थर अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता है, लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तथा उन्हें करने के बाद निष्क्रिय होते हैं। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है, उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की सन्निधि विशेष मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंचकृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित है, वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे लोक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं करती या अन्य चार भूत के गुण अवगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते। प्रश्न, भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? उत्तर, स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करता है वह सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है कि आत्मा के अतिरिक्त विचारों को उदित होने के लिए बिना स्थान दिए जो निरंतर आत्मा में रहता है। ईश्वर के ऊपर जो भार फेंके जाते हैं वह उनको वहन करता है। जब परमेश्वर शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है तो अपने आप को उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना है और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश करने के उपरांत हमें छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह तकलीफ सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए? प्रश्न, वैराग्य क्या है? जैसे ही विचार उदित होते हैं उन्हें उनके जन्म स्थान पर बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट कर देना वैराग्य है। जैसे एक गोताखोर अपने कटी पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर तैरता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न, क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? उत्तर, ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था में नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर या गुरु भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार चीते के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की अनुकंपा दृष्टि की परिधि में आ जाए वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। यद्यपि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है, कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या वह जो राम है उसको यह जानने के लिए कि वह राम है एक दर्पण की आवश्यकता होती है? प्रश्न, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या तत्वों का अन्वेषण करना चाहिए? उत्तर, जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहता है तो उसे उसका विश्लेषण करके यह देखने के लिए कि वह क्या है की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार जो अपने स्वयं को जानना चाहता है तो उसे स्वरूप को ढकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेषताएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा मानना चाहिए। प्रश्न, क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? उत्तर, जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है, इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार क्रमशः आते रहते हैं। प्रश्न, क्या मुमुक्षु के लिए
पुस्तकें शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? उत्तर, सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत रखना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर पुस्तकों के अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए स्वयं के भीतर केवल अन्वेषण करना चाहिए कि वह स्वयं क्या है। यह अन्वेषण पुस्तकों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपनी आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु पुस्तकें उनके बाहर हैं। जब अपने स्वयं का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से करना है, तो क्या इसको पुस्तकों में करना व्यर्थ नहीं है? एक समय आएगा जब उसे समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। प्रश्न, सुख क्या है? उत्तर, सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त करते हैं। मन जब बहिर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति गहरी नींद, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता है। क्रमशः आत्मा के बाहर जाता पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुख कर लगती है, जबकि खुले स्थान की गर्मी सहन नहीं होती। एक जो सूर्य की तपिश में छाया छोड़कर भटकता है तथा वापस छाया में लौटता है, अविवेकी है। एक विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उल्टा एक अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। प्रश्न, ज्ञान दृष्टि क्या है? उत्तर, मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्मस्वरूप में लीन करना है। यह अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरों के विचार पढ़ना या जानना, भूत भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों के पदार्थों को जानना या ग्रहण करना, इन सब को कभी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। प्रश्न, वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? उत्तर, वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं है, वस्तुतः दोनों एक हैं। वैराग्य आत्मा से मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकता है। ज्ञान का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रकट न होना है। दूसरे शब्दों में, किसी अन्य चीज में प्रवृत्त न होना वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग न करना ज्ञान है। प्रश्न, अन्वेक्षण एवं ध्यान में क्या भेद है? उत्तर, स्वयं की आत्मा में मन को स्थित करना अन्वेक्षण है। हम स्वयं ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं, का निरंतर भाव ध्यान है। प्रश्न, मुक्ति क्या है? उत्तर, बंधन में पड़े अहम का अन्वेक्षण करना तथा बंधन से मुक्त अपने स्वयं के यथार्थ स्वरूप को जानना मुक्ति है।